हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने रिजल्ट को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने एक ऑर्डर में स्ट्रिक्टली निर्देश दिए हुए हैं कि सब्जेक्ट टीचर ही अपने पढ़ाए हुए क्लास का रिजल्ट अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, बता दें आपको कि काफी सारे टीचर्स को प्रॉब्लम आ रही है, ये रिजल्ट अपलोड नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा कि इसमें यूजर आईडी क्या है, पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, कैसे अपलोड करेंगे। क्योंकि पिछली बार तो एक सब्जेक्ट वाइज सॉरी क्लास वाइज रिजल्ट चढ़ता था, लेकिन इस बार जो सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट फिल होगा कैसे होगा वो सारा इस वीडियो में समझे। और एक और बात बता दें, इस बार जो है दिल्ली गवर्नमेंट स्ट्रिक हो चुकी है, क्योंकि वो चाहती है कि टैब का यूज हो और उस टैब में जो भी रिजल्ट फिल करेंगे उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब्जेक्ट टीचर की होगी। कुछ भी गलती होती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो वो सब्जेक्ट टीचर के ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके सुविधा के अकॉर्डिंग बनाया है, इसमें आप समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने रिजल्ट को अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आएगा लाइक करें, इसे शेयर करें अपने बाकी दोस्तों के साथ। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर हैं तो आपको बता दूं कि ये एप्लीकेशन आपको आपके टैब में आपने इंस्टॉल कर ही लिया होगा, जिसका नाम है DOE। जी हाँ, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, इस एप्लीकेशन का नाम है DOE दिल्ली। तो इसको आप ओपन करेंगे और प्ले करने के बाद ये ऐसे इस तरह से खुलता है। एंड मार्क्स, तो ये स्टूडेंट मार्क्स हैं, आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लगेगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरह से कुल ये ओपन हो चुका होगा आपके पास, आप भी देखेंगे तो आपके पास भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो यूजर आईडी है, पासवर्ड है, ये कैप्चा है, और यहाँ पे ये देखो लॉगिन टाइप, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको इसमें फिल करने हैं तो वो अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि काफ़ी सारे टीचर्स के पास ये नहीं है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, काफ़ी सारे टीचर्स के फ़ोन में ये नहीं खुलता है, नहीं काम करता है। लेकिन अगर आप यहाँ भी इसको करें तो इसमें भी दोस्तों प्रॉब्लम आ रही है, मैंने इसमें भी ट्राई करके देखा लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो आप कैसे आप करोगे, मान लिया आपने इसमें ये इस तरह से मिलेगा गूगल क्रोम, तो ये सबके ही फ़ोन में होता है लगभग। तो आप गूगल क्रोम में जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये इस तरह से खुल जाता है, जो कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसमें आप डालेंगे DOE की साइट, दिल्ली गवर्नमेंट डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन, तो लिखे हमारा DOE। तो DOE आप इसमें जैसे ही आप गूगल में ये इस तरह से लिखेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे सर्च के लिए आ जाएगा। तो आप सर्च करें और ये इस तरह से कुछ थोड़ा सा टाइम लगाएगा, लेकिन इस तरह से आपके पास खुल जाएगा। उसमें लिखा EDUDL, तो आप इसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको पता ही किस तरह से ये खुलता है। DOE की साइड इसमें बहुत सारा कुछ बहुत सारे काम कर सकते हैं, इसमें सिलेबस सर्कुलर वगैरह देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं बात करने वाला हूँ मार्क्स कैसे फिल करोगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, इस तरह से ओपन होगा। अब आप मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वही पुरानी चीज़ें, देखिए यहाँ पे यूजर आईडी, पासवर्ड, ये कैप्चा, और कैप्चा के बाद ये सेलेक्ट लॉगिन टाइप। तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे मैं बता दूं आपको, चाहे आप रेगुलर टीचर हैं, चाहे गेस्ट टीचर हैं, चाहे किसी भी टाइप के टीचर हैं, सबको सेम ही भरना होगा। तो यूजर आईडी में सबसे पहले आप भरते हैं अपनी आईडी, जो आपकी आईडी है, तो मेरी आईडी है, ऊपर मैंने सेलेक्ट कर रखी है तो ये ऊपर हो गया। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड होगा, तो आप पासवर्ड को टाइप करेंगे, इसमें पासवर्ड आपको मिलेगा, मिल गया होगा, ये ऑलरेडी आपके पास होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझसे कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में पूरी बता दूंगा आपको कैसे खुलेगा। अगर आप परमानेंट टीचर हैं तो यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। लेकिन बात करें अगर आप गेस्ट टीचर हैं, तो गेस्ट टीचर्स के लिए मैं बता दूं कि पासवर्ड होगा आपका N कैपिटल है, और उसके बाद E और W। तो N आपका कैपिटल है और E और W जो है स्मॉल लेटर है। तो आप यहाँ पे न्यू डालें, या तो आपने पासवर्ड चेंज कर लिया होगा तो आप चेंज भी कर सकते हैं, नहीं किया तो आपका न्यू से खुलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कैप्चा, तो कैप्चा आप इसमें डालेंगे, लिखा हुआ 79, ध्यान रहे ये कैपिटल है तो कैपिटल लिखोगे, स्मॉल तो उसमें होता ही नहीं, तो कैपिटल लेटर में लिखोगे इनको भी। और ये नंबर सिस्टम है तो ये 7962, ये आपने कर दिया। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए लॉगिन टाइप, तो ये लॉगिन टाइप में आप क्या करोगे, तो जैसे इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो मिनिस्टर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ये जो हमारे ब्रांच में होता है, एक लिखा गवर्नमेंट टीचर, एक लिखा गेस्ट टीचर। तो आप गवर्नमेंट टीचर है तो आप गवर्नमेंट टीचर में क्लिक करेंगे, गेस्ट टीचर है तो गेस्ट टीचर में क्लिक करेंगे। तो चलिए अगर हम गेस्ट टीचर्स की बात करें, मैं गेस्ट टीचर हूँ, तो यहाँ पे मैंने कर दिया है और इसे कर दिया गू।
गो करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन होगा। अब ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ यहाँ पे स्टूडेंट, स्टूडेंट लिखा हुआ, और यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट में तो फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है ये दो चीज मिलेंगी, एंट्री ऑफ मार्क्स 2019-20 और नीचे लिखा रिपोर्ट ऑफ मार्क्स 2019-20। तो यहाँ पर आपने फिल करना है एंट्री ऑफ मार्क्स, तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद फिर से देखो यहाँ पे नीचे खुल जाएगा ये आपके पास एंट्री अपडेट डिलीट ऑफ मार्क्स। तो इस वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपको पहले बता रहा हूँ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, सेम नहीं चल रहा होगा, तो आप कमेंट में जरूर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक करके शेयर करें और चैनल पर पहली बार आने पर सब्सक्राइब करके जाएं। चलिए तो मैं आपको बता दूं फिर से क्या करोगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, यहाँ पे तीन चीजें, एक एंट्री है, एक अपडेट है और एक डिलीट है। यहाँ पे लिखा हुआ क्लास और ये सेक्शन लिखा हुआ है। तो अभी आप तीनों चीजें कर सकते हैं, आप चाहे तो एंट्री करेंगे, चाहे अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी आपने एंट्री नहीं की होगी तो सबसे पहले आप जाएंगे सीधा एंट्री में, तो एंट्री पे आपने ये ऐसे क्लिक कर दिया और उसके बाद क्लास लिखो तो क्लास जो जो भी आप पढ़ा रहे हो वो सारे यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। ठीक है, हमारे स्कूल जो कि 10th तक है तो ये 10th तक ही शो कर रहा है। अगर आपका स्कूल 12th तक है, आप जो जो भी क्लास पढ़ा रहे हो यहाँ पे शो हो जाएंगे, क्योंकि हमारा 10th तक है तो 10th तक ही आएगा। सपोज करो मैं इनमें से बहुत सारी क्लासेस पढ़ाता हूँ, मैं 10th भी पढ़ाता हूँ, 9th भी पढ़ाता हूँ, 8th भी पढ़ाता हूँ, 7th भी पढ़ाता हूँ और 6th भी पढ़ाता हूँ। तो आप एक एक करके किसी भी क्लास का इसमें फिल कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज है। ध्यान रखना ये अगर आपकी गलती होती है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट टीचर ही होगा और इसके लिए आपको बहुत बड़ी पेनल्टी लग सकती है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से समझे। चलिए तो मैं अभी फिलहाल कर दूं, मैं 7th को पढ़ाता हूं और 7th में भी अगर मैं कर दूं 7th बी, तो ये मैंने फिल कर दिया। और उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर खुल जाएगा आपका सब्जेक्ट। ये देखिए इस सब्जेक्ट का पार्ट खुल गया है। अब आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे हिंदी ही, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो हिंदी आया क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने हिंदी सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद जाओगे आप इसमें, आप नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे ये देखिए आप उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। और ये देखिए आपके पास ये सारे वो बच्चे आ गए हैं जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, ये सारे वही बच्चे आए हैं। अब आपने ऊपर क्या करना है तो यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ, ध्यान से देखो, सब्जेक्ट हिंदी मैक्सिमम मार्क्स। तो आपको पता है कि 68 में मैक्सिमम 60 मार्क्स का पेपर हुआ है वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे देखो ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ, अगर आपका बच्चा किसी सब्जेक्ट में ऊपर जो नोट में लिखा हुआ वो आप पढ़ सकते हैं, ए को एब्सेंट, एम को मेडिकल, एल को लीव आपने और एस को स्पोर्ट्स आपने फिल करना है। अब आप बात कर लीजिए यहाँ पे मार्क्स फिल कैसे करेंगे, क्योंकि ये दिक्कत आपको आएगी, इसके बाद भी आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो आप एक ही बार वीडियो को पूरा देख ले समझ जाओगे, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए फिर से आप यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट, तो या तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं, आपने इसको सेलेक्ट कर दिया तो आप इसके मार्क्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स फिल करने के लिए ऊपर आ रहा है। अगर आप चाह रहे हो कि सबके एक साथ कर रहे हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑल कर दो, तो ये सारे बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आप एक एक बच्चे के मार्क्स यहाँ पे फिल करोगे तो ज्यादा इजीली रहेगा कि आप सभी बच्चों के मार्क्स यहाँ पे फिल कर लो। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि मुझे और भी कुछ समझाना है आपको, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल ना करके एक ही करता हूँ, और जो कि मैंने कर दिया सबसे पहले जो है वो है हबीबा। तो इस बच्चे के मार्क्स मुझे फिल करने हैं जो कि इस बच्चे के मार्क्स है 33, तो मैंने इसे टिक कर दिया और यहाँ पे लिख दिया 33 दिख रहा होगा आपको। अब आप इसमें और भी नीचे भर सकते हो, चलो मान लिया मैंने यहाँ पे 2, 3 और 4 बच्चों की मैं भर रहा हूँ आपके सामने ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 में पहले भर चुका हूँ ट्रायल के लिए, तो यहाँ पे 4 बच्चे देख लो आप, 33 के बाद दूसरी लड़की के हैं 42, तो यहाँ पे मैंने मार्क्स फिल कर दिए 42। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो उसके बाद तीसरी बच्ची के हैं 38, तो यहाँ पे फिर से मैंने लिख दिया 38। उसके बाद चौथे बच्चे के मैंने कर दिया, उसके हैं 37, तो यहाँ पे फिर से मैंने 37 मार्क्स यहाँ पे कर दिया फिल। अब आप ये देख सकते हैं मैंने इनके मार्क्स कर दिए। अब आप नीचे जाओ, क्योंकि आप सारे भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। सबसे नीचे जाओगे और यहाँ पे लिखा सबमिट, ये देखिए ये सबमिट का बटन है। आप सबके एक साथ भी कर सकते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं, पहले आप चेक करने के लिए करिए क्या वो सही काम कर रहा है कि नहीं, और यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो ये लिखा हुआ ऊपर, योर डाटा हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली। अभी बैक हो गया है तो मैं एक बार फिर से वापस आता हूँ।
तो दोस्तों अगर आपको चेक करना है कि जो आपने मार्क्स फिल किए हैं वो सही फिल किए हैं या नहीं, या कई बार क्या होता है कि हम जो मार्क्स फिल करते हैं वो गलत हो जाते हैं, तो आपको उसे अपडेट करना होता है। तो यहाँ पे जो फिर से देखो तीन कॉलम है, डिलीट का भी अपडेट का भी है, एंट्री आप कर चुके हो। अगर आपको करना है उसमें अपडेट, कोई भी चेंज करना है, तो देखिए फिर से आप जाएंगे इस पे और अब जो है आप बाकी करें, लेकिन सिर्फ आप अपडेट पे करेंगे। यहाँ पे अपडेट के पहले आप एंट्री पे कर रहे थे, लेकिन इस बार आप अपडेट पे करेंगे। तो यहाँ पे फिर से अपडेट को क्लिक कर दिया और फिर से सेम क्लास 7 और ये कर दिया मैंने बी। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर दिया फिर से सेम। तो यहाँ पे देखो ये लैंग्वेज का फिर से सब्जेक्ट का दिखा रहा है कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हो, किसका देखना चाह रहे हो। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से वही हिंदी आ जाएगी, क्लिक करेंगे यहाँ पे और ये नेक्स्ट करने के बाद कुछ टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा। और वेट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे जो मार्क्स मैंने फिल किए थे वो यहाँ पे ऑनलाइन शो हो गए हैं। तो आप इन्हें देख सकते हैं कि ये देखो पहले के 33 थे, ये 42, उसके बाद थर्ड के हैं ये 38 है ना, 33, 42, 38, 37, और इन दो बच्चों के मैंने पहले चढ़ा दिए थे देखने के लिए। तो ये जो मार्क्स हैं आपके आ चुके। अब आप इसमें अपडेट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे देखो फिर से देखो सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो चाहो तो आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हो, चाहे तो किसी एक बच्चे का करना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप फिर से सेलेक्ट करोगे और आप ये मार्क्स यहाँ पर चेंज करने के लिए जो भी लिखना होगा आप उसे लिख करके फिर से नीचे अपडेट आएगा। तो अपडेट यहाँ पे देखो अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप इसमें क्लिक कर दोगे तो वो मार्क्स आपके अपडेट हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काम भी आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट हो, तो आप हमें जरूर डिस्कस कर सकते हैं। एक और बात बता दूं, अगर आपको जो है इस क्लास का आपने पूरा फिल कर दिया है और दूसरी क्लास का करना होगा तो आप सेम इसी तरह से करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले।